हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट सेशन है आपका रीजनिंग का, जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पजल्स डिस्कस करने वाली हूँ। ऑल्दो एक सेशन हमने पहले भी किया था जिसमें हमने पजल्स की डिस्कशन करी थी, बट आज थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहेगा। आज भी डिस्कशन पजल्स के ऊपर ही है, बट यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो पिछले सेशन से डिफरेंट है, एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो सीसैट एग्जाम है, सीसैट एग्जाम में पजल्स हर बार आई है ना, हर बार। वो सिटिंग के फॉर्मेट में भी हो सकती है, वो सिंपल पजल भी हो सकती है, तो इस तरह के फॉर्मेट की पजल आपके सीसैट एग्जाम में हर बार दिखती है। तो इसीलिए एक और सेशन हमने पजल्स का जो है प्लान किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स के क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके सीसैट एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 7 चिल्ड्रन दिए हुए हैं, जिनका नाम है बॉबी, जॉन, सूर्या, सोनिका, नेहा, तरन एंड राम। ये नाम है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये सारे के सारे जो है अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठे हैं और सेंटर फेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये पॉइंट तो हमने समझ लिया, यानी कि हम यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल हमें फ्रेम करना पड़ेगा और उसमें हमें 7 पोजीशंस मार्क करनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे अब आप देखो जो बिटवीन वाली इंफॉर्मेशन या नेबर वाली होती है कि ये इसके नेबर में है या ये इसके बिटवीन है, वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं हो पाती कि आपने लेफ्ट में किसको बिठाना है और राइट में किसको बिठाना है। एडजेसेंट बोले, नेबर बोले, बिटवीन बोले, वहां नहीं पता लगता कि राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा। तो बेटर रहता है कि हम ऐसे पॉइंट से शुरुआत करें जहाँ पे क्लैरिटी है कि वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, जो कि आपको पॉइंट नंबर 5 में हो रही है, जिसमें कि उसने क्या बोला कि तरन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बॉबी। बॉबी के राइट में हमें तरन को बिठाना है, तो हम यहाँ पे बॉबी को किसी भी पॉइंट पे बिठा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स में से आप किसी भी पॉइंट पे बॉबी को बिठाइए और फेसिंग यहाँ उसने बताया हुआ है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर फेस कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे लिख लिया, ठीक है। तो अगर किसी और पे भी लिख सकते थे, बट चलो हमने सपोज किया कि इस पॉइंट पे लिखते हैं बॉबी को, तो उसके इमीडिएट राइट साइड में कौन है? तरन है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया तरन को, ठीक है। तो बॉबी और तरन हमने फिल कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है? देखो, अब आप जब भी इस तरह की पजल सॉल्व करते हैं ना, आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरे सॉल्यूशन में अभी तक तरन का नाम आया और बॉबी का नाम आया, तो मैंने वही स्टेटमेंट उठानी है जिसमें तरन की इंफॉर्मेशन है या बॉबी की इंफॉर्मेशन है। तो तरन की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, तरन के बारे में ये फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन तरन एंड सूर्या। तो तरन और सूर्या के बीच में 1 पर्सन है, तो तरन के इधर एक जगह छोड़कर सूर्या यहाँ भी आ सकता है और तरन के उधर एक जगह छोड़कर सूर्या यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो सूर्या इनमें से किसी एक पॉइंट पे लिखेंगे, है ना। तो डाउट आ रहा है, तो डाउट वाली इंफॉर्मेशन पे तो हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी बना भी लोगे टाइम वेस्ट होता है, आपकी पॉसिबिलिटी मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं बनती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तरन से तो कोई खास हमें हेल्प नहीं मिली, बॉबी के बारे में यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं, नेहा इज नेबर ऑफ बॉबी। बॉबी के नेबर, बॉबी के साथ में कौन है? नेहा है। तो बॉबी जो है यहाँ पे तरन है, तो बॉबी के इधर साइड पे कौन है? नेहा। तो नेहा इज नेबर ऑफ बॉबी एंड सोनिका। नेहा जो है वो बॉबी के नेबर में भी है और सोनिका के नेबर में भी है। तो मतलब ये देखो, ये तो हमारा प्रॉपर बन गया है ना, ये चीज में कोई डाउट नहीं आया, हमने तरीके से इसको बना दिया। उसके बाद उसने आपको ये वाला जो पॉइंट हमने छोड़ा था, अब इसको कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन तरन एंड सूर्या। तो तरन और सूर्या के बीच में एक ही चाइल्ड है, तो तरन इधर है, तो सूर्या इधर एक जगह छोड़ते हो, तो यहाँ तो हम नेहा को बिठा चुके हैं, यहाँ पे अब सूर्या को नहीं बिठा पाएंगे, तो एक जगह छोड़कर यहाँ पर हम किसको बिठाएंगे? सूर्या को। क्लियर? चलिए, उसके बाद उसने ये क्या बोला,
राम इज नॉट बिटवीन तरण एंड सूर्य, राम तरण और सूर्य के बीच में नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम राम को इधर बिठाएंगे, और यहाँ पे एक ही पर्सन आपका बचता है, कौन? जॉन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अब जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज नेबर ऑफ राम, राम के नेबर में कौन है, तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में राम के नेबर में कौन है, सोनिया एंड सूर्य, सॉरी सोनिका एंड सूर्य, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके लिए आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, तभी आप रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चंस को अपने सॉल्यूशन के साथ। नेहा, बॉबी, तरन, सोनिका, राम, सूर्य एंड जॉन, ये आपका सोल्यूशन है। तो इसमें उसने पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ तरन, तरन की पोजीशन क्या है। आप देखिए तरन है यहाँ पर, तरन पहले पॉइंट में कह रहे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्य, देखो फेसिंग के हिसाब से सबका लेफ्ट इधर है ना, इनवर्ड फेसिंग है ना सारे के सारे, तो सबका जो लेफ्ट एंड है, मैं क्लैरिटी के लिए आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये देखो सबका लेफ्ट इधर आ रहा है, ठीक है, और सबका राइट जो है वो इस तरफ आ रहा है। ऑल दो पेपर में आपने इस चीज की आदत नहीं बनानी, टाइम बड़ा लगेगा, सिर्फ आप समझ जाएं ढंग से, इसलिए मैंने बनाया है। फर्स्ट में कह रहे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सूर्य, तो सूर्य के थर्ड टू द लेफ्ट में कह रहे, तो ये देखिए सूर्य इधर है, सूर्य के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे तो बॉबी है, नॉट तरन, तो ए ऑप्शन गलत है। बी में कह रहे सेकेंड टू द राइट ऑफ सूर्य, सूर्य के लेफ्ट में, सेकेंड टू द लेफ्ट में तरन है, तो ये भी गलत है। इमीजिएट राइट ऑफ जॉन, तो जॉन के इमीजिएट राइट में आप देख सकते हैं कि कौन है, सूर्य, ये भी गलत है। तो बस फिर जब तीनों ही गलत है तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ द अबव। चलिए उसके बाद उसने क्या बोला, हु इज सिटिंग बिटवीन जॉन एंड राम, तो जॉन और राम के बिटवीन में आप देख सकते हैं कौन है, सी ऑप्शन, सूर्य। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन हैज द सेकेंड चाइल्ड सिटिंग इमीजिएटली टू द राइट ऑफ फर्स्ट, इसको ध्यान से समझिए, वो क्या कह रहा है, किस पेयर में सेकंड चाइल्ड जो है यानी सेकंड पर्सन जो है इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट इसके राइट साइड में होना चाहिए सेकंड वाला, ये मतलब है। तो क्या बॉबी के राइट में जॉन है, तो ये देखिए बॉबी के राइट में तो तरन है, तो ये गलत है। क्या नेहा के राइट में बॉबी है, तो नेहा के राइट में, ये देखिए नेहा के राइट में बॉबी ही है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला विच ऑफ द चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर सिटिंग एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ में होंगे, नेबर्स होंगे एक दूसरे के, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब इसका ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पे जॉन, राम और सूर्य तो गलत है, क्योंकि जॉन राम एडजेसेंट ही नहीं है, है ना, डायरेक्शन तो बाद में देखेंगे, ये तो एडजेसेंट ही नहीं आ रहे। सूर्य, सोनिका और नेहा, तो ये देखिए सूर्य और सोनिका ये नेबर नहीं है, ये भी गलत है, तो आंसर में आपका बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो ए और डी ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा देखते हैं, तो ए ऑप्शन में तरन जॉन और सूर्य है, तो ये देखो तरन जॉन सूर्य एडजेसेंट है, डी में नेहा सोनिका राम है, नेहा सोनिका राम भी एडजेसेंट है, तो देखिए तरन जॉन एंड सूर्य की डायरेक्शन क्या है, हाँ जी तरन जॉन और सूर्य की डायरेक्शन है ये, और यहां से नेहा सोनिका और राम की डायरेक्शन है ये। अब इनमें से क्लॉकवाइज कौन सी और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है वो हमें समझना है, तो चलिए देखिए इधर ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी ऐसे मूव करती है ना 12, 3, 6, 9, और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये आपकी घड़ी जो है रिवर्स जा रही है, अपनी नेचुरल डायरेक्शन से रिवर्स जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये वाली डायरेक्शन जो है ये किसकी है, तरण, जॉन और सूर्या की, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो चलिए मैंने आपके साथ एक तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपकी पजल है, बंदे कितने हैं, पर्सन कितने हैं, तीन, ए बी एंड सी, वो शर्ट्स ऑफ कलर दिया हुआ है ब्लैक ब्लू एंड ऑरेंज, ये है शर्ट का कलर, फिर पैंट्स का कलर है ग्रीन येलो एंड ऑरेंज, नो पर्सन वोर शर्ट एंड पैंट्स ऑफ द सेम कलर, यानी मतलब एबीसी तीन लोग हैं उसमें आपको ये बताना है कि शर्ट का कलर क्या होगा, पैंट का कलर क्या होगा, ठीक है, पैंट्स का कलर बताना है और शर्ट का कलर बताना है, तो आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि दोनों का कलर सेम नहीं होगा। अगर आप कलर्स में देखो कॉमन कलर तो एक ही आ रहा है, कॉमन कलर ये कौन सा आ रहा है, ये देखिए ब्लैक ब्लू और ऑरेंज है, इधर ग्रीन येलो और ऑरेंज है, तो दोनों में कॉमन एक ही आ रहा है क्या, ऑरेंज, यानी कि एक ही कलर कॉमन है, बाकी तो वैसे भी वेरी कर रहे हैं, तो बस ध्यान रखना कि ऑरेंज के सामने ऑरेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, बस एक लास्ट में उसने दी हुई है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कि बी वोर पैंट्स ऑफ ऑरेंज कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीन लोग हैं ए बी और सी, ये है एक आपकी हेडिंग बनेगी पैंट्स का कलर और एक आपकी हेडिंग बनेगी शर्ट्स का कलर, ठीक है। चलिए सबसे पहले उसने बोला कि बी वोर पैंट्स ऑफ ऑरेंज कलर, तो पैंट्स का कलर यहां पे उसने क्या बोल दिया, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद उसने क्या बोला, देखो ए के बारे में बोल रहा है, ए ने ब्लैक कलर की नहीं पहनी, फर्स्ट में कह रहा है ए डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, तो ए की शर्ट में बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा। उसके बाद बी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ब्लू कलर, बी ने ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनी है, ठीक है। सी डिड नॉट वेयर शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, सी ने ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं पहनी है। अभी तो आपका इतने में ही सॉल्व हो चुका है, अगर आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे ऑरेंज के सामने ऑरेंज नहीं आएगा, अभी हमने बताया कि कॉमन कलर एक ही ऑरेंज, तो उसने बोला सेम कलर की कलर और पैंट और शर्ट नहीं हो सकती, तो अगर पैंट्स ऑरेंज कलर की है तो शर्ट ऑरेंज कलर की नहीं है, ब्लू कलर उसने मना कर दिया, तो शर्ट्स के कलर क्या थे, ब्लैक ब्लू और ऑरेंज, तो ऑरेंज और ब्लू के अलावा कलर कौन सा बच रहा है आपका, ब्लैक, तो इधर ब्लैक आ गया है ना, तो यहाँ पे आपका ब्लैक आ चुका है, तो इधर ब्लैक मना किया हुआ है, वो तो चलो हमारा खत्म ही हो गया, ये इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। सी पे ऑरेंज को मना की है, तो सी पे ऑरेंज को मना किया है तो ऑरेंज आएगा ये पे, यहाँ ए पे, और इधर एक ही कलर बचता है कौन सा, ब्लू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो सारी हमने यूज कर ली है। उसके बाद उसने बोला ए डिड नॉट वेयर पैंट्स ऑफ ग्रीन कलर, ए ने ग्रीन कलर की नहीं पहनी, तो ग्रीन कलर आ जाएगा सी पे, और यहाँ पे फिर आपका क्या बचेगा, ऑरेंज हो गया, पैंट्स का कलर देखिए ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ए की बच रहा है कौन सा, येलो, तो आंसर आपका इधर क्या होगा, येलो। तो ये आपका सोल्यूशन है, पजल बहुत सिंपल थी, और पजल ना इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, पर सिर्फ एक आपको तरीका पता लग जाए ना तो आप कभी भी अपना पजल का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द कलर ऑफ द पैंट्स एंड शर्ट वॉर्न बाय सी, हाँ जी सी का क्या कलर है, ग्रीन एंड ब्लू, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन एंड ब्लू बी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पैंट्स का ग्रीन है और शर्ट का ब्लू है, वैसे तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि ग्रीन एंड ब्लू दिया हुआ है, किसी और ऑप्शन में ब्लू एंड ग्रीन नहीं दिया हुआ, अगर आपको एक ऑप्शन में ग्रीन एंड ब्लू दिया होता, दूसरे ऑप्शन में ब्लू एंड ग्रीन दिया होता, फिर गलती हो सकती थी कि आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहला कलर जो है वो पैंट्स का होना चाहिए, अगला कलर जो है वो शर्ट का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे तीन पोल्स दिए हुए हैं ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, एक रोड है उसकी दोनों साइड पे पोल्स लगे हुए, तीन पोल यानी एक साइड पे भी तीन, दूसरी साइड पे भी तीन, तो जैसे कि ये तीन पोल लगे हुए, इधर भी आपके तीन पोल लगे हुए, ये मतलब है इस क्वेश्चन का, हाँ जी।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि पोल्स की हाइट अलग है ना, यानी कि यहाँ पे आपको अरेंजमेंट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने बोला कि ई द टॉलेस्ट पोल, टॉलेस्ट पोल जो है वो ई है और वो ऑपोजिट है किसके, गोल्डन कलर्ड पोल के, है ना। तो इसको अगर मैं शुरू करूँ, ई द टॉलेस्ट पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द गोल्डन कलर्ड पोल, तो इससे कर लो या किसी और से कर लो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ इन द वे की पजल भी सॉल्व करनी है, अरेंजमेंट भी करना है और सीक्वेंस भी बनाना है। ऐसा देख के आपको लग सकता है, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना सी सैट में, कहीं तो ये डिसाइड करते हैं कि ये पता नहीं क्या ही है, छोड़ो अगले पे चलते हैं, टाइम ना लग जाए। बट ये क्वेश्चन मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए कौन से पॉइंट से शुरू करें, ये देखो सेवेंथ पॉइंट, ये तो हमने कंसिडर कर लिया, तीन पोल्स का नाम भी बता दिया उन्होंने, पोल के कलर भी बता दिए, यहां तक कंसिडर हो गया, पोल की हाइट अलग है ये भी समझ लिया। अब मैंने सेवेंथ पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि एफ का भी कलर बताया है ब्लैक है, बिटवीन भी बताया है, तो मतलब एक ही साइड के जो तीन पोल है ना तीनों डिफाइन हो रहे हैं। तो चलिए पॉइंट क्या था, एफ जो कि ब्लैक कलर का पोल है इज लोकेटेड बिटवीन ए एंड डी। अब हम ए डी कहीं पे भी ले लो क्योंकि फिर आगे का सोल्यूशन उसी हिसाब से करेंगे, यहाँ लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम तो आ नहीं रही। चलिए एफ ए डी हो चुका है, तो यहाँ पे देखो अगले पॉइंट में कह रहा है सी ब्रॉन्ज कलर्ड पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ए, ए के ऑपोजिट कौन है, सी जो कि कौन से कलर का है, ब्रॉन्ज कलर का है, ठीक है। उसके बाद देखो बी द मेटालिक कलर्ड पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एफ, एफ के सामने कौन सा है, बी जो कि मेटालिक कलर का है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ये इंफॉर्मेशन तो अभी बोल रहा है ज्यादा छोटी वाली है ना, अब यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट पोल, शॉर्टेस्ट पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मेटालिक कलर्ड पोल, यानी मेटालिक के सामने एफ है ना तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो चलो हम मार्क कर लेते हैं कि एफ सबसे शॉर्टेस्ट है, और ये एक ये दिया हुआ है ई द टॉलेस्ट पोल, टॉलेस्ट पोल कौन सा है, ई वाला। तो उसने बोला कि ई द टॉलेस्ट पोल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द गोल्डन कलर्ड पोल, ना मुझे ई दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे गोल्डन दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज देखो, ए एफ डी सी बी तो हो ही चुका है, एक ही जगह बच रही है, तो वो कौन होगा, ई होगा, और अगर ई यहाँ पर आ रहा है तो उसने बोला कि वो किसके ऑपोजिट है, गोल्डन कलर्ड के, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गोल्डन। तो ये ऑप्शन, ये पॉइंट भी आपका नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ जी यहाँ पे अब देखिए, अब आपको कलर्स की जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है, ए द वाइट कलर्ड पोल, ए जो कि वाइट कलर का है, तो ये वाइट हो गया, पांच कलर हो गए कलर्स में, देखिए एक ही कलर बच रहा है कौन सा, सिल्वर, तो इधर आपका आ जाएगा सिल्वर। अब अभी तक आपको यही पता है कि ई जो है वो क्या है, टॉलेस्ट, और एफ जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट, और टोटल कितने पर्सन है, छः, मतलब पर्सन ही यहाँ पोल है, टोटल पोल कितने हैं, छः, तो उनकी हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ई और एफ के बीच में कितने आएंगे, चार आएंगे, ठीक है, ई और एफ के बीच में चार आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है, ए इज टॉलर देन सी, ए टॉल है किससे, सी से, बट शॉर्टर, बट के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, ए के बारे में है, बट और एंड के बारे में बाद में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में होगी, बट शॉर्टर देन डी एंड बी, किसको शॉर्टर देन डी एंड बी बोल रहा है, वो ए को बोल रहा है कि ए छोटा है किससे, डी से और बी से, तो डी एंड बी में डाउट है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, डी और बी का आपस का डाउट क्लियर नहीं हो रहा, बाकी तो आपका हो गया, तो यहाँ पे मतलब इनको बीच में ही फिट करोगे, तो यहाँ पे इधर डी और बी, यहाँ पे इधर डी और बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी, तो ये आपका हाइट वाइज वाला अरेंजमेंट है। तो चलिए उसने पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ द पोल डायगनली ऑपोजिट, पहले तो डायगनल क्या होता है वो समझिए, डायगनली ऑपोजिट का मतलब होता है ये जो कॉर्नर पे होता है, किसके डायगनली ऑपोजिट पूछ रहे, ब्रॉन्ज के, तो आप देखिए ब्रॉन्ज ये रहा, ब्रॉन्ज के डायगनली ऑपोजिट कौन है, डी यानी कि गोल्डन, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। व्हाट व्हिच इज द सेकंड टॉलेस्ट पोल, अब आप देखिए सेकंड टॉलेस्ट ये है टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट में डाउट है डी और बी में,
तो जब बी और बी में डाउट है हम क्या करेंगे, देखो अगर तो आपको ऑप्शन में दिया होगा ईदर डी और बी, फिर तो आप उसको मार्क करेंगे, और अगर आपको ये चीज ऑप्शन में नहीं दी हुई फिर आप मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विच इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट पोल? हाँ जी, टॉलेस्ट पोल कौन सा है? ई ई का कलर क्या है? सिल्वर। तो आंसर आपका यहाँ पे सिंपली क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, इस ऐसे से भी बहुत कॉमन है ये, हमने शायद से लास्ट सेशन में ऐसा हमने नहीं डिस्कस किया, आज मैं आपके साथ कर रही हूँ। देखो गेम्स होती है ना, वो कह रहा है इस पर्सन को ये पसंद है, 3, 4 या 4, 5 पैरामीटर्स होते हैं और आपको उसमें बताएगा ये इसको भी पसंद है, ये इसको भी पसंद है। तो यहाँ पे हमने करना क्या होता है, आप किसी एक चीज की हेडिंग लिख लो, या तो आप लिख लो हेडिंग गेम की या फिर हेडिंग लिख लो पर्सन की। तो आपकी हेडिंग्स क्या बनेगी, एक तो हॉकी, वॉलीबॉल। गेम्स क्या है, देखो हॉकी है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है, ठीक है। ये सारी गेम्स है आपकी, हाँ जी। तो इधर आप देख सकते हैं कि रवि एंड कुणाल और गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। रवि और कुणाल की बात कर रहा है कि रवि और कुणाल जो है वो दोनों, हॉकी भी आती है उनको और वॉलीबॉल भी आती है। सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल। सचिन और रवि जो है उनको हॉकी भी आती है, बेसबॉल भी आती है। तो देखो रवि तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो सचिन जो है उसको बेसबॉल भी आती है। चलिए उसके बाद, और एस से ना दो नाम आ रहे हैं आगे, देखो सागर भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पूरा ही लिखना है, बेटर रहेगा। हाँ जी, सचिन हमने लिख लिया। चलिए उसके बाद उसने क्या बोला है कि सचिन और रवि तो हो गए, उसके बाद आपको कह रहा है कि गौरव एंड कुणाल आर गुड इन वॉलीबॉल। गौरव और कुणाल, कुणाल तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, गौरव और कुणाल जो है उनको वॉलीबॉल भी आती है और क्रिकेट भी आती है। तो गौरव और कुणाल जो है वो क्रिकेट लवर भी है ना, उनको पसंद है। सचिन गौरव एंड सागर, सचिन गौरव और सागर जो है उनको बेसबॉल आती है, ठीक है। सचिन गौरव और सागर इनको बेसबॉल और फुटबॉल, तो सचिन गौरव और सागर, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आपको उसने बोला कि हु इज गुड इन हॉकी क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो चलिए चेक करते हैं हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल वाला पर्सन कौन सा है, हॉकी भी हो क्रिकेट भी हो और वॉलीबॉल भी हो, तो वो कौन सा पर्सन है। हाँ जी, ये देखिए आर तो हॉकी और वॉलीबॉल पे आ रहा ना, क्रिकेट में नहीं आ रहा। कुणाल है जो हॉकी में भी है, वॉलीबॉल में भी और क्रिकेट में भी है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कुणाल। फिर उसने बोला कौन सा है जो अच्छा है बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल और फुटबॉल में। तो यहाँ देखिए हाँ जी, मतलब हॉकी को छोड़ के बाकी सब में अच्छा है, हॉकी में नहीं होना चाहिए बाकी सब में होना चाहिए, है ना। तो ये देखो ये गौरव है जो हॉकी में नहीं दिख रहा पर बाकी सब में दिख रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गौरव। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। हु इज गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल बट नॉट गुड इन हॉकी वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है बस, और किसी में नहीं होना चाहिए। तो फुटबॉल और बेसबॉल होना चाहिए, ठीक है, और बाकी हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए कौन सा बंदा है जो फुटबॉल और बेसबॉल में ही दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पे सच एक चीज हमने इधर रह गई कि सचिन गौरव और सागर जो है वो बेसबॉल बेसबॉल और फुटबॉल दोनों में है, और यहाँ पे सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, ठीक है। सचिन एंड रवि, ये वाला पॉइंट हमने शायद यूज नहीं किया, तो रवि जो है वो बेसबॉल में भी आएगा और सचिन जो है वो हॉकी में भी आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा मिस हुआ हुआ था। तो चलिए हॉकी एंड बेसबॉल का बोल रहा था तो वो हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा पर्सन है जो फुटबॉल में है बेसबॉल में नहीं है पर हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट में ना हो। तो फुटबॉल और बेसबॉल वाला कॉमन एक तो सचिन आ रहा है,
और दूसरा सागर आ रहा है ना। इन दोनों का कॉमन तो ये दोनों है, पर बाकी में मना कर रहा है ना। पर सचिन तो हमें हॉकी में भी दिख रहा है, यानी सचिन आपका आंसर नहीं होगा, सागर होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें फुटबॉल और बेसबॉल में दिखेगा। तो चलिए ये आपका हो गया 41st क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसने आपको क्या बोला कि 6 books हैं, हाँ जी 6 books हैं जिनका लेबल है A B C D E and F आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपने पूरा डिटेल में किया, क्योंकि इसमें आपके थे 3 questions, डायरेक्शंस थी फॉर 3 questions। अगला क्वेश्चन एक सिंगल है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन अगर आपको करना है तो सिंगल क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना, इतना लंबा काम मत करना जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे कि उसने क्या बोला है, 6 books है जिनमें से B C E F का ग्रीन कवर है, बाकियों का येलो है। A B D का उसने बोला न्यू है, बाकी ओल्ड वॉल्यूम है। A B C उसने बोला लॉ की रिपोर्ट्स हैं, बाकी सारी मेडिकल की है। तो चलिए उसने पहले बोला कि ओल्ड होनी चाहिए, पहली उसकी डिमांड है, कौन सी बुक्स है जो ओल्ड है, मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं और ग्रीन कवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड उसने पूछा है, तो देखो ABD न्यू है तो बाकी सारे ओल्ड होंगे ना, तो ABD को छोड़ दीजिए, बचा क्या CE और F, ये ओल्ड है CE और F। अब मेडिकल, अब CE और F में से देखिए मेडिकल कौन सा है, हाँ जी ABC तो लॉ की रिपोर्ट्स है, तो सी तो मेडिकल की हो ही नहीं सकती, यानी मेडिकल की रिपोर्ट है E और F की, ठीक है। और ग्रीन कलर होना चाहिए, तो BCEF में ग्रीन है, तो E और F में हमें ग्रीन ही दिख रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर P। तो सिंगल क्वेश्चन देखिए इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है, पर अगर वो पूरा वो वाला मेथड करते हैं ना, पूरा टेबल बना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है कि स्नेहा करेक्टली रिमेंबर, स्नेहा को याद है कि उसके फादर का बर्थडे, ठीक है, स्नेहा के फादर का बर्थडे जो है इज बिफोर 16 June बट आफ्टर 11 June। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो 16 नहीं लेना और 11 नहीं लेना, तो अगर 16 और 11 नहीं लेना तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी आपकी, 12 13 14 और 15, ठीक है। वेयर एज हर यंगर ब्रदर, इनके यंगर ब्रदर को याद है कि उनके फादर का बर्थडे जो है वो आफ्टर 13 है, मतलब 13 नहीं है, आफ्टर 13 है बट बिफोर 18 है, 13 के बाद और 18 से पहले, तो इसका मतलब क्या है, 13 तो नहीं है और आफ्टर 13 मतलब 12 भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज क्या बच रही है, 14 और 15। फिर आ जाता है एल्डर ब्रदर, उसका कहना है कि उसको अच्छे से याद है कि उनके फादर का बर्थडे जो है वो एक इवन डेट वाले दिन होगा, तो अगर आप देखो यहाँ पे इवन डेट कौन सी है, 14 है और 15 है, तो इवन डेट आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर C। तो यानी कि उनके फादर का बर्थडे जो है वो 14 June का होगा, क्लियर है। तो आपका जो पजल्स है ना, आपने देखा हमने जो आज पजल के क्वेश्चंस किए आपके साथ, मैंने जो डिस्कस किए हैं, एक मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट डिस्कस किया है ना, वो हमने पिछले सेशन में नहीं किया था, तो सर्कल में आप फर्स्ट पर्सन को कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ बट ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन, बाकी सारा जो है वो आपका उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा, क्योंकि सर्कल एक इनक्लोज्ड फिगर होती है जिसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पजल्स करी है ना, उसमें पजल्स में आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन थे टैबुलर वाले, कि अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहा है टैबुलर का, तो सिंगल क्वेश्चन तो आप इस तरह से ही कर लेते हो है ना, कि आपका ये है ये नहीं है, जैसे कि हमने पिछला ये वाला किया था, और उससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था जिसमें 3 questions बेस्ड थे, वहां पे तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम इतना भी ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा वहां पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी आप 3 questions कर पाएंगे, बट वो भी कई बार आपके ना ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप ये नाम वगैरह उसमें देख लो, तो अगर आपकी स्पीड इतनी फास्ट है कि आप जल्दी से उसमें से कैच कर पा रहे हैं, तो ये भी आप बिना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी डायरेक्शंस को देख के। फिर एक मैंने पोल वाला किया, तो पोल वाला भी आपने देखा कि डी और बी का मैंने एक पॉइंट जो डिस्कस किया कि डी और बी में मतलब जैसे कि दो लोगों में अगर वो बोले कि इट इज मोर देन डी एंड बी,
तो वहां पे आपको डी और बी में नहीं पता ज्यादा कौन सा कम कौन सा है, तो वो चीजें आपकी मैंने डिस्कस करी थी। फिर बिटवीन कहता है जब, तो उसमें ये नहीं पता कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है ना। और एक लास्ट में मैंने आपके साथ डेट वाला डिस्कस किया। मैं ना आपके साथ तीन स्टेटमेंट्स अब इसके बाद कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ जो आज भी कवर हुई हैं, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मिल सकती है, जिनमें बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन। बट इस एक पॉइंट, इस एक कन्फ्यूजन वाले पॉइंट की वजह से कई बार आपका ना पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका वो क्वेश्चन खराब हो। स्टेटमेंट्स क्या है? ए इज अबव हाँ जी, एक आपकी ए इज अबव बी एंड बिलो सी। ये एंड जो आता है, ये इंफॉर्मेशन एंड के बाद वाली जो होती है वो किसके बारे में होगी? ए के बारे में, ठीक है। तो एंड के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में होती है। आप गलती से बी ले लेते हैं, ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन लेना है। तो एंड बोले या बट बोले एक ही बात है, ठीक है। और एक ये इंफॉर्मेशन होती है कि ए इज अबव सी, हु इज बिलो बी, ठीक है। हु वर्ड के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो हु वर्ड से पीछे जिसका नाम है उसकी बात होगी। यानी ये सब किसके बारे में बोला जा रहा है? सी के बारे में बोला जा रहा है। तो हु के सब्स्टिट्यूट्स क्या है? हु, whom, whose, that या which, इन सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन एंड और बट के बाद जो होती है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में होती है। हु, whom, whose, that, which के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेकेंड पर्सन बोल लो, या ज्यादा क्लैरिटी से अगर मैं बोलना चाहूं कि जो वर्ड है, मतलब हु या हु के सब्स्टिट्यूट्स में से जो भी वर्ड है उसके इमीडिएट पीछे जिसका नाम होगा उसके बारे में होगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये एंड बट हु की कन्फ्यूजन की वजह से कई बार सब कुछ आता है पर आप अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ये आपको ब्लड रिलेशन डायरेक्शन में भी ये वर्ड्स की कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखना, ठीक है। तो अब आज आपका पजल्स का सेशन जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीट है, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपके साथ इन दो सेशंस में डिस्कस किया है, तो आई होप अब आपका सी सैट में एटलीस्ट पजल का क्वेश्चन जो है उसको लेके आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी है कि सी सैट में पजल्स में दिक्कत आती है। तो अब आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।